अला रसूलिल करीम में गुज़श्ता रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारी जमील साहब के बेटे आसिम जमील की डेथ हुई और एक बड़ी सबको फ़िक्र लाहिक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। अब उनके बेटे का मौलाना यूसुफ़ जमील साहब का बयान सामने आया है कि उसने ख़ुद को गोली मार के हलाक किया और डिप्रेशन का वो पेशेंट था। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमाए और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाहिकीन, बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक अता फ़रमाए और उस बेटे को उस जहाँ की भलाइयाँ नसीब करें अल्लाह ताला, उसके सगायर कबायर ख़ताओं को अल्लाह माफ़ करे। मैं जो ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसका एक बड़ा मकसद जो है वो उन लोगों को जवाब देना है जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं। आपको पता है कि दीनदार तबके की तरफ से कुछ लोग ऐसे मुखालिफ लोग हैं उलमा के, दीनदारों के, कि उनको मौका चाहिए होता है प्रोपेगेंडा करने का। हमारे यहाँ ये बात मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ दीनदार तबका चाहे उलमा का हो, कुर्रा हज़रात का हो, हाफिज़ों का हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ख़ुदकुशी का रेशो ना होने के बराबर है, उनके घरों में भी और उनके ख़ुद उनमें भी कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। और ये बात बड़े फ़ख्र से बयान की जाती है कि क़ारी हज़रात की तनख्वाहें देखें आप, आइम्मा किराम की तनख्वाहें देखें, उनके मसाइल देखें, उसके बावजूद वो ख़ुदकुशी की तरफ नहीं जाते, इसलिए कि अल्लाह ने उनको सब्र दिया है। और याकूब अलैहिस्सलाम को हम देख लें ना कि सारी ज़िंदगी बेटे के गम में रोते रहे मगर ख़ुदकुशी की तरफ नहीं गए। तो यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली। इसका जवाब मौलाना यूसुफ जमील साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है कि वो भाई डिप्रेशन का पेशेंट था, वो उसको इलेक्ट्रिक के झटके दिए जाते थे, मेडिसन खाता था वो, और डॉक्टरों ने ये भी हिदायत की हुई थी कि इनके इसके पास कोई ना कोई रहना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। तो ये जवाब मैं समझता हूँ काफ़ी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है जो फितना परस लोग होते हैं उनको बातें करनी है। बाज़ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि हर ख़ुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है, टेंशन में ही होती है, खुशी में तो कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। तो देखें ये टॉपिक डॉक्टरों का है, डॉक्टर बताते हैं और हमने मुशाहिदा भी किया है कि डिप्रेशन दो तरह की होती है। एक डिप्रेशन तो आम लोग जो दुनिया की मोहब्बत में डिप्रेशन में गए हुए हैं, एक डिप्रेशन वो होती है जो किसी दिमागी बीमारी की वजह से होती है। इसमें दीनदार लोग भी मुब्तला हो सकते हैं और इसका कोई इलाज, इसका इलाज ये नहीं है कि उसको सब्र की तलखीन की जाए, इसका इलाज मेडिसन होती है, दिमाग में कुछ केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बहुत अच्छे लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी टेंशनें झीली हैं, बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो बैठे बैठे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेडिसन लेते हैं तो सेट हो जाते हैं, वो दिमाग के कुछ केमिकल हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, यही वजह है। और ये नई बीमारी नहीं है, सदियों पुरानी बीमारी है। यही वजह है कि उलमाए किराम ने ये मसला तलाक़ के मसाइल में बयान किया और कत्ल क़िसास वगैरह के मसाइल में बयान किया कि इंसान पर कुछ कैफियत ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें वो अपने कौल व अमल का ज़िम्मेदार नहीं होता और उसके कौल व अमल पे उसको ना गुनाह मिलता है, ना उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी, ना आखिरत में सज़ा मिलेगी। ये वो जब है जब इंसान की दिमागी सलाहियत काम करना छोड़ दे। तलाक़ आपको मालूम है कितना हसास मामला है, शदीद गुस्सा में भी अगर इंसान हो तो तलाक़ वाक़ हो जाती है। सलासुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज़लुहुन जिद्दुन, इस हदीस की रोशनी में। लेकिन उलमा ने बयान किया कि अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है और उसके पास कराइन है और वो उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, ऐसी सूरत में वो बीवी को 100 तलाक़ें भी दे देगा तो नहीं होंगी, इसलिए कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ऐसे मौके पर। तो जब तलाक़ जैसे मसले में हम उलमा कराम आज से सदियों पहले एक स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज़ जिसका दिमाग काम करना छोड़ दे उसके इस अमल को तलाक करार नहीं देते, वो ज़बान से कुफ्रिया कलिमात अगर ज़बान से निकालेगा तो वो काफिर नहीं होगा। हालांकि कुफर तो मजाक में भी अगर आप कुफ्रिया कलिमात ज़बान से निकालते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा जुर्म भी माफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने अगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ऐसे ही खूब समझ लें कि ऐसा डिप्रेशन का मरीज़ अगर किसी को कत्ल कर देता है या अपने आप को कत्ल कर देता है तो वह ना दुनिया में मुजरिम है ना अल्लाह के यहाँ वो मुजरिम है। उसमें मलामत करना और किसी को बुरा भला कहना या कोई नेगेटिव बातें करना, ये जो बातें करने वाले लोग हैं वो मुजरिम हो जाएंगे। तो एक डिप्रेशन वो होती है जो दुनिया से दुनिया की मोहब्बत की वजह से, दुनिया की छोटी छोटी बातों को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ये किसके वजह से होती है, ये नापसंदीदा है, क्योंकि नेक लोग हमेशा सब्र करते हैं। लेकिन एक डिप्रेशन वो है जो आपको किसी दिमागी बीमारी की वजह से, तो ये बचपन से इसकी जो हमें तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये
जो हज़रत का जो बेटा है ये बचपन से ही किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला था और इलाज भी हो रहा था। हज़रत जो ज़िम्मेदारियाँ एक बाप की होती हैं वो औलाद के लिए, वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में लगे हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, इंसान उसमें बेबस होता है। तो हम सब इस गम में हज़रत के साथ बराबर के शरीक हैं और हम सब दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हज़रत के इस बेटे को उस जहाँ की भलाइयाँ नसीब करे और उस जहाँ की खुशियाँ नसीब करे और जो भी उनके रिश्तेदार और लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उन सब को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और जो मनफी कमेंट्स करने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मैं फिर बार दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि इस अमल को ख़ुदकुशी करार देना ये किसी भी तरह से ये बात दुरुस्त नहीं है और ये एक इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम का जवाब आपको क़्यामत के दिन देना पड़ेगा। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और मरहूम को जन्नत में अल्लाह ताला आला दर्जात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।